हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस। लास्ट सेशन में हमने किया इंटरनेशनल रिलेशंस का नेचर, एंड आज हम करेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशन। जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इस सब्जेक्ट का क्या स्कोप है। जब हम स्कोप की बात करते हैं, हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। हम कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसकी स्टडी हम अंडर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन में करेंगे। तो जिस सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसकी हम इंटरनेशनल में स्टडी करते हैं, हम ये कहते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जिस सबसे यंगस्ट डिसिप्लिन है, जिसका जन्म सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी का स्कोप भी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो इसकी सब्जेक्ट्स क्या है जिसकी हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल का मीनिंग क्या है, हम स्टेट, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनल में हम जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट की सिस्टम्स की बात करते हैं। हमें पता है जितने भी स्टेट्स हैं सभी इक्वल नहीं है। कुछ स्टेट्स रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ डेवलप है, कुछ अंडर डेवलप है। जब हम उनकी बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो हम ये कहते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल स्टेट्स आर इक्वल। हम सभी स्टेट्स को इक्वल मानते हैं। तो अंडर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम स्टडी करते हैं एक्शंस एंड इंटरैक्शंस। एक स्टेट का एक्शन और उसका काउंटर एक्शन, उसके इंटरैक्शंस अमंग डिफरेंट स्टेट्स। एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ क्या एक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या ट्रीटीज करते हैं, वो सिस्टम कैसे चल रहा है, हम इन सब की स्टडी करते हैं अंडर द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस। सो फर्स्ट वन इज स्टेट स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम। इंटरनेशनल मीनिंग तो स्टेट से हुआ, हम इंटरनेशनल में स्टेट्स की स्टडी करते हैं। नंबर टू, स्टडी ऑफ रिलेशंस अमंग स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं इन स्टेट्स का आपस में कौन सा रिलेशन है। तो ये रिलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन की स्टडी हम करते हैं अंडर द इंटरनेशनल रिलेशंस। क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे किसी और स्टेट के साथ जितने भी रिलेशन है, मुझे वो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है जे भी इफेक्ट करेगी, मेरी हिस्ट्री इफेक्ट करती है, हमारे स्टेट की आइडियोलॉजी क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करती है। हम किसके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना चाहते हैं और किसके साथ नहीं बनाना चाहते, इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, उसके बाद हम अपने रिलेशंस डिवेलप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से। इसीलिए अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, हम ये नहीं है किसी स्टेट के साथ जब रिलेशन बनाते हैं सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशंस देखते हैं, हम हिस्टोरिकल रिलेशन भी देखते हैं, हम जियोग्राफिकल लोकेशंस भी देखते हैं कि हमें इससे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। हम ईच एंड एवरी मैटर की स्टडी करते हैं, फिर जाकर हम किसी स्टेट के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं। नंबर थर्ड, स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हम इंटरनेशनल रिलेशन क्यों कंक्लूड करते हैं, हमने इंटरनेशनल रिलेशन डिवेलप क्यों किया है। सीधा सा आंसर है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल रिलेशन को मानते हैं। हम ये कहते हैं कि हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, हम किसी ट्रीटी के मेंबर बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि इससे मेरे नेशन का, मेरे स्टेट का बेनिफिट है। अगर हमारा बेनिफिट होगा तब जाकर हम किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। हमारे रीजनल कोऑपरेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बनते हैं। अगर इससे मेरा नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होता है तब जाकर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे, तब जाकर हम कोई ट्रीटी करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हम अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, फिर जाकर दूसरे की इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर मुझे इंटरनेशनल रिलेशन से कोई बेनिफिट मिलेगा तब जाकर मैं इंटरनेशनल रिलेशन को डिवेलप करूंगी। नंबर फोर, स्टडी ऑफ नेशनल पावर। कोई भी स्टेट चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो यही चाहती है मेरी पावर सुप्रीम हो।
हम सब सॉवरेन स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन को डिवेलप कर रही हैं, इसके साथ ही रिलेशन डिवेलप हो रहा है। सो हम ये कहते हैं चाहे कोई स्टेट छोटी बड़ी कोई भी हो, डिवेलप अंडर डिवेलप हो, लेकिन वो अपनी नेशनल पावर को, नेशनल इंटरेस्ट को दिखाना चाहती है। वो चाहती है पूरे वर्ल्ड में मेरी पावर दिखाई दे, वो हर एक कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन कैसे होते हैं? इन टर्म्स ऑफ पावर। हम पावर की बात करते हैं, पावर के थ्रू ही हमारे नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात कहते हैं तो उस बात को कितनी कंट्री सपोर्ट करती हैं? जितनी कंट्री सपोर्ट करेंगे वो क्या है? हमारी पावर है। इसीलिए हम जो कहते हैं हमारे इंटरेस्ट प्रमोट कैसे होते हैं? हमारी पावर के साथ होते हैं। नेशनल पावर क्या है? इसको प्रमोट करना, इसको दिखाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉस। जितने भी इंटरनेशनल लॉस हैं हम इनकी स्टडी करते हैं। जो हम जो सब्जेक्ट कह रहे हैं इन सब टॉपिक की हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या रिलेशन में डीप स्टडी करते हैं, एक एक टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं। तो इंटरनेशनल लॉस वैसे तो सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन स्टेट पर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बाइंडिंग होता, लेकिन फिर भी हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ताकि कंफ्लिक्ट्स हैं, कंफ्लिक्ट्स को हम कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर सके। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या करते हैं? दे रेगुलेट द रिलेशन एंड बिहेवियर एट द टाइम ऑफ वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस टाइम हम एक नेशन के बिहेवियर है उस बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेशनल लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है, हम इसके अंडर इंटरनेशनल लॉ को भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी उसका अपना सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर कंट्रीज की इंटरनेशनल पॉलिसीज को भी देखते हैं, फिर जाकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। जैसे आपका कोई व्यू है, आप अपना ओपिनियन बनाने से पहले क्या करते हो? एक दो पर्सन की ओपिनियन सुनते हो, फिर जाकर आपका ओपिनियन बनता है। लाइक दिस हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी नेबरिंग कंट्री की फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, उसके बाद जाकर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसे बनती है, किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, इन सब की स्टडी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ही सब्जेक्ट मैटर बन चुकी है। बिहेवियर ऑफ द स्टेट एट इंटरनेशनल लेवल इज ऑलवेज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स फॉरेन पॉलिसी। सो हम ये कह सकते हैं किसी कंट्री का बिहेवियर क्या है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, हम फॉरेन पॉलिसी के अंडर डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 के बाद एग्जिस्टेंस में आती हैं, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, हम अपने कंट्रीज को बचाना चाहते थे कंफ्लिक्ट से, वॉर से, हम नहीं चाहते थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो, इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत थी। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर आईएमएफ, जो डिस्ट्रॉयड कंट्रीज हैं उनको फंड देने की जरूरत थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे ब्रिक्स हो गया, G20, G7, इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जिस्टेंस में आई हैं। स्टडी ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स क्या है? जो हमारी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग रिलेशन में आया है। इट मीन्स क्या है? जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं तो हम अपनी जियोपॉलिटिक्स देखते हैं, हम अपनी लोकेशन देखते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। हमने अपनी पॉलिसी बनानी है, हम देखते हैं हमारी बाउंड्रीज क्या है, हमें किसी कंट्री कितनी जरूरत है, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल की कमी है, हम रॉ मटेरियल कौन से कंट्री से इंपोर्ट करा रहे हैं। जैसे इंडिया, इंडिया के पास पेट्रोलियम की कमी है, हम पेट्रोलियम के लिए ईरान, इराक, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम इनके साथ कोई हार्ड पॉलिसी बना सकते हैं जिससे हमको बेनिफिट ना हो? हम ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं,
जब भी हम कोई अपनी पॉलिसी बनाएंगे, हम रिलेशंस डेवलप करेंगे, तो अपनी लोकेशन भी देखते हैं हम, जी देखते हैं हमारा बेनिफिट है जी नहीं है, हम अपनी ईच एंड एवरी मैटर देखते हैं, हमारी बाउंड्रीज क्या है, स्पेस है, स्पेस भी हमारी बाउंड्री के अंडर ही आती है, उसके बाद वाटर है, माउंटेन्स है, सी है, जी सब हमारी बाउंड्री के अंडर आते हैं, जी सब मैटर्स हैं जो हमारी इंटरनेशनल बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी कंट्री की जरूरत नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बनाऊंगी, अपना रिलेशन दूसरे के साथ कम रखूंगी, डिक्टेटरशिप वाली मेरी पॉलिसी होगी। अगर मुझे पता है कि मुझे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, अपने रॉ मटेरियल के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो मेरी पॉलिसीज, मेरा बिहेवियर थोड़ा सॉफ्ट होगा। इसीलिए हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स भी इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें जियोग्राफिकल रिलेशन इवन स्पेस भी इसके अंडर आता है। अगर हम अब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हमारी फ्लाइट्स जाती हैं, वो हम किसी कंट्री की फ्लाइट्स हैं, किसी कंट्री की स्पेस है, उसको यूज करें, इसके लिए हम उनको पेमेंट भी करते हैं, तो जी सब कुछ इसका पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट से हमको कोऑपरेशन करना है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इसकी स्टडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट मैटर बन चुका है। इंटरनेशनल पीस ट्रीटीज, हम जी चाहते हैं कि दो कंट्रीज में वॉर हो रही है, इस वॉर से बचने के लिए पीस ट्रीटी की जाए। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर हुई थी, उस वॉर से हमारी ट्रीटी हुई शिमला ट्रीटी 1972 में। जैसे कुछ क्या था, हम कंफ्लिक्ट को खत्म करके रेजोल्यूशन चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे। तो जी कोऑपरेशन हमने क्यों की, इसका क्या बेनिफिट है, जे भी इंटरनेशनल रिलेशन के अंडर भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ वॉर एंड पीस। जहां पर कंफ्लिक्ट है कोऑपरेशन भी है, अगर वॉर है तो पीस भी है, तो इन सब की कॉजेस क्या है, हम वॉर क्यों कर रहे हैं और वॉर है इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, हम पीस एग्रीमेंट क्यों करते हैं, हम शांति से क्यों रहना चाहते हैं। हम जे कहते हैं हर एक नेशन इंटरनेशनल रिलेशन में इसीलिए एग्जिस्टेंस में आया है क्योंकि कंफ्लिक्ट की कॉस्ट है बहुत हाई, हम उसको बियर नहीं कर सकते। कंफ्लिक्ट की कॉस्ट क्या है, वॉर, वॉर की कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, एक कंट्री इसको नहीं पे कर सकती, इसीलिए हम चाहते हैं कंफ्लिक्ट को अवॉइड कर कोऑपरेशन की तरफ आ जाएं। तो हम ये कहते हैं हमारी स्ट्रगल है फॉर सुप्रीमेसी, हर एक कंट्री अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाहती है। देन एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा देती है, जे भी किस लिए है, क्योंकि अपने आप को सुप्रीम सुपरमेशन शो कर रही है, इसीलिए सैंक्शंस लगाए जाते हैं। तो सैंक्शंस को स्टडी करते हैं, जैसे यूएसए ने चाइना पर क्या लगा दिए थे, सैंक्शन लगा दिए 2019 में। तो ये सब कुछ क्या था, सैंक्शंस की स्टडी, हम अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे हैं, वो कहते हैं मैं सबसे सुप्रीम कंट्री हूं, फिर उसके बाद पीस शांति के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इडियोलॉजीज। इडियोलॉजीज कोल्ड वॉर इसकी सीधी सी एग्जाम्पल है। कोल्ड वॉर क्या था, दो ब्लॉक बन गए, रशियन ब्लॉक एंड द अमेरिकन ब्लॉक। जो रशियन सोवियत ब्लॉक था वो क्या किसकी आइडियोलॉजी को मान रहा था, सोशलिज्म की, एंड अमेरिकन ब्लॉक कैपिटलिज्म की। वो कोल्ड वॉर हुआ ही किस लिए था, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस की वजह थे। तो आइडियोलॉजीज क्या है, वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुकी हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ नेशनलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। 20th सेंचुरी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हम बहुत ज्यादा स्लेव कंट्रीज थे, स्लेव कंट्रीज को फ्रीडम चाहिए थी, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई, इवन कि इंडिया इज आल्सो द स्लेव कंट्री, हम ब्रिटिशर के कॉलोनी बन गए थे, एंड ब्रिटिशर क्या था, एक इंपीरियलिस्ट कंट्री था, मीन जो कंट्री गुलाम है, स्लेव है, हम उसको कॉलोनी कहते हैं, और उस कॉलोनी का जो मालिक बन गया हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो ब्रिटिशर क्या था, इंपीरियलिस्ट कंट्री बन गया था, और उसने बहुत सारी कंट्रीज को अपना गुलाम बना रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखा था। तो उसमें फ्रीडम की मूवमेंट स्टार्ट हुई, नेशनलिज्म की मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो नेशनलिज्म कैसे एक कंट्री इंडिपेंडेंट होती है, वो कॉलोनी कैसे बनी, इंपीरियलिस्ट ने ऐसा क्यों किया था, इन सब की स्टडी भी क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन का ही सब्जेक्ट मैटर है, जो 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा
एग्जिस्टेंस में था, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज थी जो गुलाम थी, स्लेव नेशन थी, इनमें इंडिपेंडेंट की मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वैसे तो अपनी कंट्री की पॉलिसी बनाने के लिए मैं ही सॉवरेन हूँ, मुझे सॉवरेंटी मिली है, मैं किसी के साथ कोई डिसीजन नहीं लूंगी, किसी के साथ डिस्कस करना मेरी अपनी मर्जी है। लेकिन आज के टाइम में पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हम देखते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर कंट्रीज आल्सो इन्फ्लुएंस अस, हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी ना किसी फेस से। जैसे हम अपने कोई फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं, हम पॉलिसी बनाते हैं जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, वो हर एक वे से हमको इम्पैक्ट करती है। वो कहती है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें, हम अपनी कंट्रीज में सैंक्शंस को कम कर दें, ड्यूटीज को कम कर दें, ये सब क्या है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बनना। तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ नेशनल करैक्टर। नेशनल करैक्टर उस देश के लोगों का करैक्टर के हिस्सा है। हम ये कहते हैं जो जापानीज हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है, ये उन लोगों का करैक्टर बन चुका है। अगर कोई कंट्री करप्ट है, हम कहेंगे इस नेशन के लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो हम ये कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में उन देश के लोगों का करैक्टर कैसा है, वो भी हमको इन्फ्लुएंस करता है। वो लोग क्या हमें कभी चीट करेंगे, चाहे वो ट्रुथफुल है, वो सच्चाई से हमारा साथ देंगे, इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन का ये भी एक पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डिसआर्मामेंट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, इस डिस्ट्रक्शन से हम बचना चाहते थे। उस टाइम क्या हुआ, हम स्टडी कर रहे थे, हम अपनी कंट्रीज में न्यूक्लियर पावर को डिवेलप कर रहे थे। न्यूक्लियर एक वर्ड है, लेकिन जिस सबसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड है, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी नेशंस को। इसीलिए हम ये चाहते थे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके ऊपर रिसर्च कम हो जाए, इसकी डिवेलपमेंट कम हो जाए, इसकी प्रोलिफरेशन है वो कम हो जाए। इसके लिए बहुत सारी ट्रीटीज बनाई गई, बहुत सारी कमीशन बनाई गई, ताकि हम डिसआर्मामेंट की तरफ जा सके। डिसआर्मामेंट कमीशन बनाया गया किस लिए, टू लिमिट द आर्म्स रेस। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी की गई ताकि हम डिसआर्मामेंट की तरफ जा सके, बिकॉज देयर इज अ टू मच हाई कॉस्ट ऑफ द वॉर। इसीलिए हम डिसआर्मामेंट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिए। हमने बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटीज को अपनाया है ताकि आगे जाकर हम न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, हम इतने पावरफुल ना बन जाएं किसी नेशन को डिस्ट्रॉय करते। ये हमारा एक पर्पस था, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन का ही स्कोप है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आज के टाइम में हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम जी चाहते हैं हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, इसके लिए क्लाइमेट समिट्स होती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल समिट्स होती हैं। इसके लिए 1972 में पेरिस क्लाइमेट समिट हुई। हम जी चाहते हैं जो ग्रीन हाउस कार्बन गैसेस हैं इसको हम अमिट कर सके, इसको रिड्यूस कर सके, इसके लिए बहुत सारे समिट्स होती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, क्योटो प्रोटोकॉल्स हैं, जिसके साथ हम ये चाहते हैं हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। तो ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर जो हम ट्रीटी करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट बन चुका है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। हम ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स का भी वायलेट नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे तो इसके लिए हमारे पास एक कमीशन है, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, जो यूनाइटेड नेशन के अंडर 1948 में बनाई गई थी। जी क्या करती है, हमारे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। इसने राइट्स बताए हैं, इनने 30 राइट्स दिए हैं, जो जी कहती है कि हाँ एक कंट्री में, एक नेशन में हर एक स्टेट को अपने सिटीजन को ये 30 राइट्स देनी चाहिए, ताकि उस कंट्री के सिटीजन की ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंटरनेशनल लेवल का ही पार्ट बन चुके हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। हम इकोनॉमिक एड दे रहे हैं ताकि कंट्री को लोन देकर हम उसको अपना
अंडर कर सके, उसके इन्फ्लुएंस कर सके, उसके ट्रीटीज में हम इंटरफेरेंस कर सके, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बन चुके हैं, सब्जेक्ट मैटर बन चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ डेमोग्राफिक फैक्टर्स। डेमोग्राफी का मीनिंग होता है उस देश की पॉपुलेशन। जैसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई है, डेथ रेट कम होती जा रही है, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इकोनॉमिक टर्म में इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे एशिया में, अफ्रीका में, लेटिन अमेरिका में, ये क्या डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, इनकी स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। इन कंट्रीज में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है एंड सबसे ज्यादा पॉवर्टी भी रही है, जिससे हम स्टारवेशन हंगर की प्रॉब्लम्स हैं वो इन कंट्रीज में है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसके लिए जो इंटरनेशनल लेवल का मैटर बन चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हम इनको सेव करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक एड देते हैं, इनकी हेल्प करने की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट बन चुके हैं। नेक्स्ट स्टडी ऑफ स्पेशल एरियाज। स्पेशल एरियाज जैसे आज के टाइम में हम अपने इंटरनेशनल रिलेशन में सिर्फ पॉलिटिक्स की स्टडी नहीं करते, हम दूसरी कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है इसकी स्टडी भी कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है हम उसकी स्टडी भी कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है हम उस कंट्री की लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, कल्चर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इन सब एरियाज की भी स्टडी करते हैं। तो जो स्पेशल एरियाज है इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको उस कंट्री की डीप स्टडी हो सके। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन बनाते हैं तो जिस सबकी हमको जरूरत होती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम टेररिज्म, जो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। हम जो चाहते हैं टेररिस्ट ग्लोबल लेवल पर कम हो, जो ग्लोबल लेवल टेररिस्ट अटैक रिसेंटली कितने हो चुके हैं, हम इन सबको कॉम्बैट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो टेररिस्ट अटैक को खत्म करना, टेररिस्ट कैसे एग्जिस्टेंस में है, इसको कैसे बैन किया जा सकता है, इसके लिए हम नेशन मिलकर काम करेंगे, कैसे करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट मैटर बन चुका है। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, MNCs। हम NCCs की बात करते हैं। आज के टाइम में क्या हो रहा है, MNCs पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उन कंट्री में जाते हैं, अपने ऑफिस खोलते हैं, ट्रेड करते हैं, और जो पैसा अर्न होता है वो अपनी पेरेंट कंट्री में, होम कंट्री में वापस चला जाता है। इट मीन्स क्या है, MNCs क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करती हैं, पुअर कंट्रीज में इनकम अर्न करती हैं एंड अपनी कंट्री में वापस चली जाती हैं, वो प्रॉफिट वहां पर जाकर इन्वेस्ट करती हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इसकी भी स्टडी करते हैं कि MNCs कैसे एक कंट्री को इम्पैक्ट करती हैं। जब से हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का मॉडल अपनाया है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन लेवल पर हम जी कहने लगे ग्लोबल विलेज बन चुका है, तो ये सब कुछ क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का ही पार्ट बन चुका है। तो ये सब सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसकी हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं। तो ये था स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।